वाली का किसको दृष्टांत आता है? जल से बढ़िए कितना खुशी है कि नहीं, कितना ठंडा में नींद आ रहा है, नींद आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाली का कलिशा को दृष्टांत आता है। वालिका का मन में बहुत कुछ हम लोग देखता रहे हैं। वालिका को पवित्र आत्मा का जरूरत है। वालिका में तीन किस्म से प्रभु पानी दे रहा है उसका हरा भरा रखने के लिए। वालिका को प्रभु संभाल रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और वालिका के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा उसको प्रार्थना करके बालिका को संभाल रहा है। प्रभु का लहू बालिका को संभाल रहा है। खुद परमेश्वर बालिका को संभाल रहा है, बालिका को संभाल रहा है। और पिछले दिनों में देखा प्रभु का दास अगुआ उसके द्वारा प्रभु क्या करता है, बालिका को संभालता है, एक अगुआ को देता है, पास्टर को देखकर और पास्टर के द्वारा सारी कलीसिया को प्रभु संभालता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम लोग देखेंगे वाणिका में प्रभु के दास लोग को बारे में हम देखेंगे। प्रभु का दास कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कितना किस्म का प्रभु का दास लोग है और कितना किस्म का गुलामत है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हमें सब लोग डायरी मेंटेन कीजिए, ऐसा चुपचाप आके मुंह खोल के देख के कुछ याद में नहीं रहता है, कुछ में पढ़ा लिखा लोग भी डायरी लेकर नहीं आता है, कुछ लोग बाइबल भी बैग से बाइबल भी बाहर नहीं निकालते, क्या फायदा है? थोड़ा स्टडी की तरह उसको सीखिए, सीखने के लिए मिलता है आपको, सीखिएगा। हालेलुया। अभी हम लोग क्या देखने वाला आज, प्रभु का दासों के बारे में, पास्टर लोग, इवांजेलिस्ट, टीचर्स, अपोस्टल्स, प्रोफेट्स, इन लोगों के बारे में स्टडी हम लोग देखने वाले हैं। पहला चीज, मिनिस्ट्री में कितना किस्म का लोग आता है, द मेकिंग ऑफ ए लीडर, एक लीडर तय होता है कितना किस्म से, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे कितना किस्म से लीडर तैयार होता है। नीचे लिखा है, किधर को पढ़ सकता है, थ्री टाइप ऑफ लीडरशिप इन चर्च मिनिस्ट्री, थ्री टाइप ऑफ लीडरशिप इन चर्च मिनिस्ट्री, उनका अर्थ यही है तीन किस्म का पास्टर लोग, सेवक लोग, लीडर लोग तैयार होता है। कितना किस्म का, तीन किस्म का पास्टर लोग तैयार होता है। चर्च चलाने वाला कितना भी दुनिया भर का कितना भी चर्च चलाता है, मिनिस्ट्री कितना है, उसमें तीन किस्म का लोग रहता है। हालेलुया। ओके, और तीन किस्म के लोग कौन कौन है? ये आपको पहला पहले बाबू करना। हालेलुया। और तीन किस्म का लीडरशिप होता है, यहां पर लिखा है थ्री टाइप ऑफ लीडरशिप इन चर्च मिनिस्ट्री, चर्च में तीन किस्म के लोग मिनिस्ट्री का काम करते हैं। वो नहीं, ऊपर ऊपर। हालेलुया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तीन टाइप से सेवक लोग हैं, कितना भी दुनिया का चर्च है, सारी चर्च में जो पास्टर लोग हैं वो तीन टाइप में। पहला क्या है, सेल्फ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट माने क्या है, नियुक्त करना, अपॉइंटेड, नियुक्त करना, सेल्फ अपॉइंटेड। सेल्फ अपॉइंटेड माने क्या है, खुद अपने आप को पास्टर बना देते। बहुत से लोग ऐसा है ना, कुछ प्रभु का बुलावट है ना, ट्रेनिंग है ना कुछ है, कहीं नौकरी चाकरी नहीं करता है, कोई नौकरी चाकरी नहीं मिला, अपना घर में ही शुरू कर देते, अपना घर में, अपना भवन में, अपना परिवार में, अपना शहर में शुरू करता है। यह है
सेल्फ अपॉइंटमेंट पास्टर्स, दूसरा है मेड अपॉइंटमेंट। कहीं ना कहीं पादरी को पकड़ कर, डिनोमिनेशन को पकड़ कर, कागज बनाकर अपनों को पाकर पास्टर करवा देते हैं। सेकंड है मेन अपॉइंटमेंट, इंसान अपॉइंटमेंट करता है। थर्ड है गॉड अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट है? गॉड अपॉइंटमेंट, परमेश्वर एक आदमी को नियुक्त करता है। आमीन, परमेश्वर नियुक्त करता है। इसमें तीनों में कौन सा सही होगा? गॉड अपॉइंटमेंट। लेकिन क्या होता है, बहुत जगह पर इंसान अपना को अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, वो सही नहीं है। आमीन, कुछ इंसान इंसान को पास्टर बना देते हैं। ये पूरा बाइबल के आधार पर हम लोग आज देखने वाले हैं तीन प्रकार के पास्टर लोग। ये चर्च में आप लोग विश्वासी बनकर रहते हैं, आप लोगों का ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक चर्च में मेंबर है, ताकि मेरा लीडर कैसा होना चाहिए, मेरा पास्टर कैसा होना चाहिए। अंधा के पीछे जाएंगे, दोनों अंधा गड्ढा में गिर जाएगा। बाइबल ऐसे को था ना, अंधा का अगवा करने वाला अंधा दोनों गड्ढे में गिरेगा। तो ध्यान दीजिए, आज हमारा बुद्धि खोल जाना, इसे आज इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करना। यह है सेल्फ अपॉइंटमेंट। यहां पर राजा क्या कर रहा है? अपना अपना मुकुट पहना दे रहा है कि नहीं? ऐसे में राजा को क्या करना, याजक राजगुरु लोग बड़ों लोग मिलकर उसको नियुक्त करना। यह है सेल्फ अपॉइंटमेंट, अपना अपना पास्टर बना देना। आए इसी तरह के लोगों को हम बाइबल में भी देख सकता। अगला है मेन अपॉइंटमेंट, कोई भी इंसान को भी इंसान को मिनिस्ट्री के लिए पास्टर बना देते। आज पैसा देने से सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता। हालेलुया, बस लोग एक ही रात में पास्टर बनकर आ जाते, एक रात में जाकर एक ही रात में सर्टिफिकेट बनाकर पैसा देके आ जाते। मेन अपॉइंटमेंट लीडर्स। अगला है गॉड अपॉइंटमेंट, ये कौन है? जो से बने मूसा, मूसा तो कौन अपॉइंटमेंट कर रहा? गॉड अपॉइंटमेंट कर रहा। जलते हुए जारी से परमेश्वर खुद उनसे बात करके इनको अपॉइंटमेंट कर रहा है। आमीन, ये तीनों अपॉइंटमेंट में कौन सा अपॉइंटमेंट सही होगा? आप लोग किसी तरह के दास का आदमी बत्तीसवां लेना है, या किसी तरह की दास का आदमी प्रभु पद लेना है, किसी तरह की दासों को द्वारा शिक्षा पाना है, वो आप लोगों पर निर्भर है। ये दोनों तीनों के बारे में बाइबल बताता है। पहले हम लोग देखेंगे पुराने नियम में शामिल मिला तो लेकर पढ़ सकता है, सॉरी सऊल। हम देखेंगे पहला शामिल उसका 13 का 9 से लेकर, देखो आन में रखा उसको दिखा, दे दे इधर दे इधर दे। ध्यान दीजिएगा, पढ़ेगा कोई बाइबल में पहला शामिल 13 का नौ। तब साउल ने कहा, हम फली और मेल फली मेरे पास लाओ। अभी साउल कहा, ध्यान दीजिए, साउल कौन है? राजा है, याचक नहीं है। मेल फली बलि चढ़ाना किसका काम है? ध्यान में रखिएगा, सब लोग बलि नहीं चढ़ा सकता, सब लोग बलि चढ़ाने का प्रभु नियुक्त नहीं किया। ये राजा है, राजा का काम करना, विश्वासी है, विश्वासी का काम करना, इवांजेलिस्ट है, इवांजेलिस्ट का काम करना। तो इसी तरह अभी राजा लोगों से बता रहा है, पढ़ेगा। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। वो उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही मैं होम बलि को चढ़ा चुका, जब वो होम बलि को चढ़ा
क्या देखता है कि सामुएल आ पहुंचा। वो सामुएल आ पहुंचा और एक मिनट हाँ पढ़ो। और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो बलि चढ़ाने के लिए मेल मेल चढ़ाने के लिए सामुएल है, याजक के वस्त्र दिखता है, प्रभु का चुना हुआ है, वो आकर चढ़ाना था। वो आने में थोड़ा देरी हो गया, उस दिन में टाटा सुमो नहीं था ना, भारतीय ओमनी नहीं था ना, बेचारा याजक वो बुढ़ा आदमी है, वो तो कई पहाड़ पर्वत नदी नाला पार करके आना, आने में 5 मिनट लेट हो गया। साहब बोला चलो हम चलेंगे, हम राजा है, कोई उनके विरोध में कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्या करेगा, मार देगा। तो इसलिए सब लोग डर के मरे, होम बलि मेल बलि को उनके पास लेकर आया। अभी जब शाऊल होम बलि को मेल बलि को चढ़ा दिया, अभी कौन आ गया, याजक आ गया, सामुएल आ गया। तो बोला अब क्या किया, 13 से पढ़ेगा। सामुएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया। ध्यान से, सामुएल ने शाऊल से कहा तू मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा को नहीं माना। तो अपना परमेश्वर यहोवा का आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, नहीं तो तुम्हारा राज्य को इसराइल के ऊपर प्रभु सदा के लिए रखता था। परंतु अब तेरा राज्य बना ना, अभी तेरा राज्य क्या होगा, बना ना, बना नहीं रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है, यहोवा अपने लिए ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन से मन के अनुसार है, उनका मन का अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने पर ठहराया है। यहोवा उन्हीं को अपना जन का प्रजा का लीडर बना देगा, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये बात तो तुम यहोवा का बात कानून को नहीं माना। हाँ वो कलकत्ता हम पढ़ के तुम ही तो कौन किससे बोल रहा, पर आप कौन कर को इतना दूर आया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ दोबारा पहले से नहीं, जब भी जो अभी पढ़ा, क्योंकि तूने यहोवा के आज्ञा को नहीं माना, तू यहोवा का आज्ञा को नहीं माना। तब सामुएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया। बस तो यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर का सब कुछ क्या है, प्लान है। हम कोई इंसान को मानकर नहीं चलना, वचन को मानकर चलना, पास्टर पॉल को मानकर नहीं चलना, वचन को मानकर चलना। वचन सच्चे, आकाश और धरती ठहर जाएगा लेकिन वचन का एक अक्षर एक बिंदु नहीं ठहरेगा। आपके जीवन का सारे आशीष का मूल्य कहां है, प्रभु का वचन में है। जो प्रभु का वचन को मानता है उनका प्रभु मानता है। प्रभु का वचन में लिखा है वो अपना वचन को बेचकर चंगा करता है। तो वचन का द्वारा ही सब कुछ है। हाँ प्रभु से बोलते प्रभु मेरा बात मान ले, मेरा चंगा कर दे, नौकरी कर दे, आखिरी नौकरी चाकरी आशीष कर दे, वो कर दे, कर्म चिंता भी मांग, लेकिन उसके ऊपर निर्भर है आप प्रभु का वचन कितना आज्ञाकारी बनते, उससे बढ़कर नहीं है। आप कितना प्रभु का वचन को आज्ञाकारी बन के, जहां से जो प्रचार हो रहा है उसका आज्ञाकारी बनते बनते जाएंगे, उतना प्रभु आपका प्रार्थना मानेगा। दानियल का प्रार्थना इतना जल्दी जवाब लेकर आ गया, स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, आमेन नहीं बोला, प्रार्थना खत्म नहीं किया, लेकिन स्वर्गदूत आकर बोल दिया आपका प्रार्थना सुन लिया, तुम प्रार्थना अभी बंद करो। प्रभु बोला तुम्हारा परम पिता तो मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारा क्या जरूरत है। आमीन, कितना विश्वास करते हैं, तो मांगने से पहले वो जानता। यदि आपका क्रिया ठीक रहेगा, आपका जिंदगी ठीक रहेगा, आपका मांगने से पहले सब कुछ आपको दे देगा। जो एक अच्छा माँ है
बच्चा को भूख लग के पूरा तकड़ के चक्कर के गिरने तक इंतजार करता नहीं। एक अच्छा माँ है टन पर टन उसको क्या करते, खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, पहनाता है, स्कूल भेजता है, बड़ा सब कुछ करता है कि नहीं। उसी तरह मतलब परमेश्वर अपने सारे जरूरत को पूरा करता। उसके लिए एक ही चीज का जरूरत है, आपका जिंदगी। आप हफ्ता में एक दिन आके प्रार्थना करना बड़ा बात नहीं है। हफ्ता भर का आपका काम प्रभु देखता, हफ्ता भर का काम आपका सही है आपका प्रार्थना सुना जाएगा, हफ्ता भर का काम आपका ठीक नहीं है घर में पूरा झगड़ा मारामारी गाली गलौज चोरी झूठ झमेला विभचार पाप गंदगी रखकर इधर आकर आप प्रार्थना कर लेगा कुट्टा टेक के हल्लेलुया बोल देगा अन्य भाषा बोल देगा प्रभु मान लेगा। तो ध्यान दीजिए आपका प्रार्थना से पहले आपकी जिंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी उसी के आधार पर होना चाहिए। आपको प्रार्थना क्यों ना हो, आराधना क्यों ना हो, वचन के आधार पर। अभी शाऊल होम बलि चढ़ाया, प्रभु के लिए बलि चढ़ाना पाप है नहीं है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी को रखा है। सब लोग प्रभु भजन पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ चर्च में होता कि नहीं होता, होता है। कुछ चर्च में यह भी होता है पास्टर बांटता नहीं, पास्टर प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, विश्वास ने चाय से कहना बांट चुके जैसा सबको बांटता है। इस हर चीज क्या है, प्रभु है एक आदमी को चुन कर रखा कौन क्या काम करना है, कौन क्या काम कर रहा है प्रभु चुन कर रखा। अभी शाऊल क्या कर दिया, याजक आने से पहले होम बलि चढ़ा दिया, प्रभु बोला आपका राज्य खत्म हो गया, आपका राज्य प्रभु और एक चुन लिया। प्रभु के पास बहुत है, पास्टर पॉल नहीं है, पास्टर शाऊल आएगा। हालेलुया, उनके पास आत्मिक कम है। यदि मैं अंदर के आगे बन जाएगा साइड प्रेजर आज, लेकिन क्या हो रहा मन में, कृपा युग चल रहा, अभी क्या युग चल रहा, पुराना जमाने में था यीशु मसीह का पहले तुरंत तुरंत दंड मिल जाता, अभी तुरंत दंड मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी कितना विश्वासी दार पी के घूमता है, प्रभु उसको मानता नहीं मानता, कितना लोग बत्तीसवा लेकर दूसरा लड़की के पीछे घूमता घूमता नहीं घूमता, प्रभु उनको मानता नहीं मानता, अभी नहीं मानेगा क्यों, उसका दंड होगा कब न्याय के दिन। इसलिए ये काम उसको बुरा किया तो परमेश्वर का वचन को नहीं माना, बाद में इसका अंत क्या होगा कितना जानते हैं, सुसाइड करके बोला अपना बला में अपना तलवार को नीचा उल्टा रख के देखे उसके ऊपर गिर के अपना आपको सुसाइड कर रहा युद्ध भूमि में। प्रेतरा कितना खतरनाक मौत, उनके आंखों के सामने उनका सारे बच्चा मरा, सारे बच्चों लोग उनके आंखों के सामने युद्ध में मरा। आखिर में ये भी क्या कर दिया, अपना भला उल्टा लगाकर उसी में जोर से गिर के मर रहा। प्रेतरा प्रिय भाई प्रिय बहन, आज हमारा अंध अच्छा होना चाहिए शुरुआत के से मतलब नहीं है, हमारे जीवन में अंध अच्छा होना चाहिए। पहले हम लोग एयरफोर्स में काम कर रहा था फ्लाइट में, जो उड़ाओ बड़ा बात नहीं है, लैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा पायलट कब माना जाता है, उसका लैंडिंग अच्छा हो, लैंडिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग बराबर ग्राउंड के साथ लेकर आके लैंडिंग करवाना, इसे हमारा मसीह जीवन का लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लोग नहीं मरना, हालेलुया, कितना खतरनाक मौत हुआ देखिए, सारी सेना का राजा जीवित परमेश्वर को चुना, वो भविष्यवाणी का उनका वरदान मिला, मिला कि नहीं मिला, भविष्यवाणी किया उसके बारे में स्टडी हम दे चुका, उसका भविष्यवाणी का बुलावट भी था, सब कुछ हो गया, क्या कर दिया सब खत्म, मौत सुसाइड करके मरा, कितना खतरनाक। हालेलुया, हमारे जिंदगी को हम सुधरना और एक आदमी को भी देख सकते हैं, उसिया राजा, कितना नाम सुना उसिया राजा के बारे में, नाम कितना लोग सुना कितना पढ़ा, ये उसिया राजा जो बहुत छोटा उम्र में बच्चा था, तब प्रभु क्या किया,
उनको राजा बनाया। उसिया को जो बच्चा था तब प्रभु को राजा बनाया, उनका अति महान किया, वो प्रभु के राज में चलता था। शुरुआत उनका मसीह जीवन बहुत अच्छा था, शुरुआत उसके मसीह जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन अंत अच्छा नहीं था। बहुत लोग वैसा ही है, शुरुआत नया नया मसीह जीवन बहुत अच्छा था, बहुत प्रार्थना करता, दुख दुख करता, इतना विनती करता, उपवास करता, आराधना, संगति रखना, प्रार्थना सुनना, दौड़ दुख करना, कितना आज्ञाकारी बनना, दीनदाई, सहनशील, मेल प्रेम, इतना भरपूरी देता। जब थोड़ा थोड़ा पुराना हो जाता ना, उसकी जिंदगी बदल जाता। हालेलुया, इनका जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। उजाला की राजा का भी जीवन में ऐसा ही हुआ। मेरा लेकर पढ़ सकता है दूसरा इतिहास उसका 26 का 16। परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया, जब वो सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा, तब उसका मन फूल उठा। ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए, उसका शुरुआत अच्छा था, बहुत दीन था, नम्र था, बच्चा था, प्रभु उनको उठाया, हर जगह पर युद्ध में जीत दिया, वो जब चारों तरफ उसके नाम फैल गया, उसका विरोध में कोई है ही नहीं, उनका विरोध में कोई राजा खड़ा ही नहीं हो सकता, सबको यहोवा परमेश्वर उसका पैर के नीचे कर दिया। वहां पर लिखा जब वो सामर्थ्य हो गया, क्या लिखा, फूल उठा। फूल उठा मतलब क्या, घमंड से भर गया। बहुत लोग जीवन वैसा ही है, जब उनका जीवन भरपूरी हो जाता, घमंड होना शुरू हो जाता है, उनका जिंदगी घमंड होना शुरू हो जाता है, उनका जीवन घमंड होना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो किसी का नहीं मानेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, या किसी को अच्छा नौकरी चाकरी मिल जाए, घर द्वार मिल जाए, गाड़ी द्वारा मिल जाए, या बहुत अच्छा तंदुरुस्ती, पर्सनालिटी, सुंदरदाई, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, ऊर्जा पद मिल जाए, उसके बाद और किसी को भी नहीं मानता, सबको तुच्छ समझता, किसी का हाथ मिलाने के लिए भी उनको शर्मिंदा लगता, अरे हम जाके इसके क्यों हाथ मिलाएंगे, होता नहीं होता। बहुत लोग फूल उठ जाता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, यहां पर सबसे छोटा सा छोटा गरीब आदमी है, उनके भी स्वर्गदूत मेरा जिंदा परमेश्वर के पास किसी का भी तुच्छ मत समझे, किसी का भी तुच्छ समझे मत समझे, परमेश्वर के नजर में सब बराबर है, सभी बराबर है, यहां कोई ना ऊंचा नीचा, ना जाति भेदभाव, यहां कुछ नहीं है, परमेश्वर सारे इंसान को बराबर बनाया, सारे देश अमेरिका, अफ्रीका, यूरोपा, ऑस्ट्रेलिया, आसिया, सारी सबको प्रभु बराबर बनाया, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो जाति भेद कहां से आया, अपना अपना धर्म ने जाति भेद बना दिया, खास कर सारी दुनिया में देख सकते हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू ईसा में जाति भेद ज्यादा है, हिंदू लोग की जाति भेद करता है, जो वर्णाश्रम लिखवा के वो लोग का धर्म का हिसाब से ब्रह्मा ने क्या कर दिया, कुछ लोग का सिर्फ में से जन्म दे दिया, वो क्या हो गया, ब्राह्मण, और उसके बाद कुछ लोग को कंधे से बनाया, वो कौन हुआ, क्षत्रिय, उसके बाद कुछ लोगों को क्या है, खम्भ से बनाया, वैष्णव, और उसके बाद फैल से बनाया, वो सूत्र, इसी तरह वर्णाश्रम करवा के वो लोग ब्राह्मण लोग वर्णाश्रम लिखवा के बाकी सारे लोगों को अपना अधीन में, अपना मुक्ति में, अपना काम करने वाला बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भेदभाव नहीं रखना, कितना भी प्रभु आपको उठाए, ऊंचा करे, आशीर्वाद करे, उतना आप और निम्र होते जाना, इतना और आप दीन होते जाना, इतना और आप प्रभु शून्य होते जाना, सब कुछ प्रभु का हाथ में। हमारी जिंदगी क्या है,
एक पानी का बुल्ला देखा, पानी में बुल्ला आता ना, बुल्ला हवा से, वो बड़ा हवा लगेगा तो फट जाएगा। कहा बुल्ला की हार बुलबुल्ला, पानी में जो बुलबुला आता ना, क्या हो जाता है? हवा में कुछ नहीं, हवा में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता। उतना ही हमारा जिंदगी, बहुत कुछ हम लोग करने के लिए कोशिश करते, क्या पाए? कुछ नहीं पाते। एक दिन क्या कर देता, अकेला बस में कील टोके तो भी दो आदमी पीछे से बोलेगा और बीच में तो कील मार दे, बोलता कि नहीं बोलता, क्योंकि कभी उठ के ना आ पाने। मां के पूरा गड्ढा में अंधेरा में अकेला आपका रख देगा, यही जिंदगी, यही सच्चे। नहीं तो क्या करेगा? कुछ लोग जलाता है, मार मार के जलाता है, समय भी बेकार, चुपचाप नहीं देता, दोबारा उठने के लिए कोशिश करता। आप देखा नहीं देखा, जलाते समय भी क्या हाथ करता हूं, डेड बॉडी, उठने के लिए कोशिश करता, दोबारा माथा में मार के उसके उधरी दबड़ा देते। थोड़ा सा सामर्थ्य हो गया, उसका मन फूल उठा। हाँ, तब उसका मन फूल उठा, उसका मन फूल उठा, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा, ध्यान दीजिए, उसने बिगड़ कर अपना परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अपना परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात ध्यान दीजिए, अर्थात वे धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा को मंदिर में घर घुस गया। ध्यान दीजिए, ये बिगड़ कर यहोवा का विरोध में विश्वासघात किया, अर्थात क्या किया? धूप का वेदी को, धूप का धान, धूप धान लेकर धूप जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर का अंदर में प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, राजा का काम धूप जलाना नहीं है, धूप जलाने के लिए प्रभु और लोगों को चुन के रखा, और लोगों को प्रभु क्या करके रखा, चुन के रखा, ये उसका काम नहीं था। हाँ, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के असली याजक भी जो बीच से गए, जो महायाजक गया उनके साथ 80 वीर था, वो बाकी याजक लोग भी उनके पास गया। उन्होंने उज्जिया राजा को सामना करके उससे कहा, उन्होंने उज्जिया राजा को सामना करके ये कहा, हे उज्जिया, हे उज्जिया, भगवान के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, भगवान के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है, वो याजकों के काम है, उन याजकों की काम है जो धूप जलाने के लिए पवित्र किया गया। खाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें, सबका काम नहीं है ये राजा, धूप जलाना तेरा काम, धूप जलाने के लिए उन याजकों को परमेश्वर क्या किया, नियुक्त करके रखा। आज क्या होता है, जो जो भंडलन में घूमता है, चार बात बोलने लग गया, वो सब याजक बन जाते, वो सब पास्टर बन जाते हैं, और सब अपने नाम के सामने पास्टर रेवरेंड इवांजेलिस्ट लिखना शुरू कर देते। ध्यान दीजिए, ये गलती अपने नहीं कर रहा, ये गलती करके उन लोगों का मिला हुआ दंड तो लिख कर रखा है। आज हम लोग इसको समझना, किसी के भी आंख बंद करके पास्टर करके नहीं बुलाना। ध्यान दीजिए, पास्टर कोई बाइबल कॉलेज सर्टिफिकेट नहीं देता। ध्यान दीजिए, कोई बाइबल कॉलेज किसी को भी दुनिया में कोई भी बाइबल कॉलेज, एक बाइबल कॉलेज का नाम हमको बताइए, ये बाइबल कॉलेज इस आदमी को पास्टर सर्टिफिकेट दिया। आप आपको दिखा दीजिए, आपको 10,000 रुपए देंगे। कोई भी बाइबल कॉलेज किसी को भी पास्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा, देने का हक नहीं है, ये पास्टर क्या बुलावट है, नहीं दिला तो उसको क्या होता है, ऑर्डिनेशन होता है, पास्टर ऑर्डिनेशन। आप बाइबल कॉलेज में 3 साल पढ़ा,
तीन साल पढ़कर जितना लोग बाइबल कॉलेज पढ़कर आते हैं उनसे पूछिए आपका क्या सर्टिफिकेट मिला, ओ यहाँ बोलेगा बीटीएच बोलेगा, बीडी बोलेगा, एमटीएच बोलेगा, एमडी बोलेगा, सीमेंट कोर्स बोलेगा, कुछ भी सर्टिफिकेट देगा। लेकिन मास्टर सर्टिफिकेट कोई बाइबल कॉलेज नहीं देता। हमें ये मास्टर सर्टिफिकेट कहां से आता? ऊपर से आता, बुलावट आता। पास्टर इसी तरह प्रभु मुझे दर्शन देके मैं से बात किया, मिशन किया सेवा के लिए। तब ट्रेनिंग करने के बाद जब ऑर्डिनेशन होता है तब उसको पास्टर ऑर्डिनेशन किया जाता है। कितना लोग बात समझ में आ रहा? हालेलुया। लेकिन एक राजा होने से भी देश में सबसे बड़ा आदमी कौन है उन दिनों में? राजा। राजा हर तो भी दुख दान हाथ में नहीं ले सकता, दुख दान हाथ में नहीं ले सकता। प्रभु उसके नुक्त करता, आदमी को नुक्त करता, आदमी को नुक्त करता। ये लोग मना किया, राजा ये काम आपके लिए, ये काम वो उन याजक लोग के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने दुख जलाने के लिए ठहराया है। हाँ, तो पवित्र स्थान से निकल जा। पवित्र स्थान में उनका हक नहीं है। पवित्र स्थान में किसका हक है? याजक लोग का हक है। पवित्र स्थान में लेवी कभी हक नहीं है। पवित्र स्थान में ये लेवी कभी हक नहीं है। पवित्र स्थान में उन याजक लोग का हक है। महापवित्र स्थान में याजक लोग कभी हक नहीं है, केवल महायाजक का हक है, वो भी साथ में। इस बार कितना लोगों को समझ में आया? एक सब कुछ आपका स्टडी दे चुका है, सब कुछ लिखवा के प्रभु लेवी व्यवस्था में निर्गमन में लिखवा के दे दिया। तो पवित्र स्थान से तो क्या कर लो, निकल जा। हाँ, तूने विश्वासघात किया है, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से या तेरी महिमा का कारण ना होगा। ये यहोवा परमेश्वर का सामने आपका महिमा का कारण नहीं होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए उजिया उठा। इस तब बोलने का बावजूद भी राजा क्या के मन में धूप जलाने के धूप दान को हाथ में लेकर उन लोगों के ऊपर क्या हुआ? झुंझला था। झुंझला मतलब क्या? पूरा गुस्सा से देख रहा, मेरा विरोध में बोलने का तुम्हारे हिम्मत। हाँ, याजकों पर झुंझला रहा था, जब वो याजकों को ऊपर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में, याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास में, धूप का वेदी का पास में उसके माथे पर कोट प्रकट हुआ, उसके माथे पर कोट प्रकट हुआ। थाली बजा के प्रभु का नाम लो। हालेलुया, हालेलुया। उसके माता का क्या हो गया? खोल हो गया। तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। तुरंत तुरंत क्या हो गया? चेहरा बिगड़ गया। कौन है उनका चेहरा देखा? कैसा होता है? मुंह पूरा घाव बन जाता है, नाक छपटा हो जाता है, उंगली घिसना शुरू हो जाता है, पूरा चिन्ह उधर होना शुरू हो गया। तुरंत कितना करने के बाद? उसी वक्त वहां पर क्या हो गया? कोड़ी हो गया। हाँ, अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की। हाँ, और क्या देखा? क्या देखा? कि उसके माथे पर कोड़ निकला है। वो कोड़ निकल कर आ गया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, दूध निकालना कोई गलत बात नहीं है। हर चीज के लिए प्रभु आदमी को चुना। हालेलुया, याजक को चुना। आमीन। हाँ, करुणा, करुणा किसका चुना? बोलो, जब से बोलो। रात को नींद नहीं है सिस्टर, बहुत काम रहता है उसका रात भर। हालेलुया, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये धूप चढ़ाना, प्रभु का बलि चढ़ाना, ये पूरा सबका काम है, कुछ लोग का काम है। प्रभु को जन बांटना, बत्तीस बार लेना, इसके लिए पूरा प्रभु कुछ लोग चुन कर रहा।
चाहते साउल सुसत करके मरा। उजिया प्रभु इतना आशीर्वाद करके ऊंचा स्थान दिया, फूल उठ घमंड आ गया, हालेलुया, कोढ़ी हो गया, कोढ़ी होकर जिंदगी भर उसके बाद आप घर में जाकर पढ़कर देख लीजिए। उसिया मरने दम तक कोढ़ी बनकर मरा, उसके बाद दोबारा वापस महल नहीं गया, अपने महल में नहीं गया। क्यों है? उस दिन में कोढ़ को दवाई देता है, कोई भी कोढ़ी हो जाए, राजा की ना हो कंगाल की ना हो, सबको कहा कोढ़ी बस्ती, उस दिन में अलग एक कोढ़ी बस्ती रखता है। अभी भी कुछ जगह में उसके पुराना जमाना का कोढ़ी बस्ती को देख सकता है उधर इधर, हालेलुया, वहां पर कोढ़ी बस्ती रखता, वहां भेज दिया, कोढ़ी लोगों के साथ मरा। प्रिय भाई प्रिय भाई है, वो आपका बाइबल में मेरा बाइबल में बिल लिख कर रखा, उसके बाकी सब कुछ बोलना है, बहुत समय लग जाएगा, आप उसके जाकर घर में पढ़ सकता, पढ़कर देख सकता, ताकि उनके जिंदगी को कैसा प्रभु कर दिया। आज अपना जीवन को थोड़ा समझना, और एक कोरा के बारे में कल उसके बारे में हम तीन तरह बताएंगे, उसके भी हम बताया हुआ है। कोरा क्या किया? विरोध किया। क्या विरोध किया? अरे आप क्या सिर्फ याजक बनेंगे, हम भी याजक हैं, कलीसिया के सब लोग पवित्र हैं, कलीसिया के सब लोग सब कलीसिया के सब लोग पवित्र है, और सब याजक बनेंगे, बारी बारी बनेंगे, तुम एक साल याजक हुआ ठीक है, अगला साल हम लोग भी ऐसे बारी बारी सब याजक बनेंगे होगा। चर्च में एक कमिटी अलग है, कमिटी बाइबल में नहीं है, बाइबल में कोई कमिटी है? बाइबल में कई कमिटी है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर वो है, प्रेसिडेंट क्या है? हेल्पर से कुछ लोगों को चुना, उन लोगों का क्या कमी था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग, सात लोगों को चुना हेल्प के लिए, चुना कि नहीं चुना? सुना, यीशु ने 70 लोगों को चुना, चुना नहीं सुना? ध्यान दीजिएगा, वो अलग है अलग है। इसी तरह सेक्रेटरी चर्च चलाएगा, कहां से चलाएगा? सेक्रेटरी का बुलावट है। इस साल इलेक्शन हुआ, एक सेक्रेटरी चुन गया, सेक्रेटरी चर्च चलाएगा, प्रेसिडेंट चर्च चलाएगा, बेचारा प्रेसिडेंट बनेगा, पास्टर उठो पास्टर उठेगा, पास्टर बैठो बैठेगा, नहीं तो क्या है चिट्ठी लिख देगा, ये पास्टर नहीं चाहे इसका ऐसा जगह भेज दो जहां पानी नहीं मिलता। होता नहीं होता, बड़े बाबरा सिस्टर कहा होता नहीं होता, पक्का पुराना जो है परमाने मशीन क्या वसना सिस्टर होता नहीं होता, कमिटी चला था पास्टर चला था। क्योंकि कमिटी तंगा देना पास्टर को, बेचारा पास्टर तंगा के लिए काम करने वाला मजदूरी बनाकर रख दिया, क्या मजदूर बनाकर रख दिया, वैसा नहीं होता मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं होता। प्रभु कलीसिया चलाने के लिए एक आदमी को प्रभु नियुक्त करेगा, वो कलीसिया चलाएगा। प्रधानमंत्री जो भी हो, केरला में उस दिन हम फोटो दिखाए कि नहीं, उमन चंडी कहां गया, कहां जाकर बैठा? केरला का मुख्यमंत्री पोस्ट में था, मुख्यमंत्री उमन चंडी कहां जाकर, उसके सारी पायलट उनके सारी पुलिस गार्ड गेम सब बागा रोड में, बेचारा ये चर्च माया चर्च ऑलरेडी भरा हुआ, ये थोड़ा लेट माया कहां बैठा मन में, जो सब लोग पैर पछने वाला का ऊपर वो मैट के ऊपर बैठा, चर्च है कलीसिया है, इधर कोई बड़ा आदमी नहीं है छोटा आदमी नहीं है, सब एक ही बड़ा है मेरा जिंदा प्रवेश आपका बड़ा नहीं है,
कहां पर कोई स्ट्राइक कर नहीं सक सकता। हिंगलाज जिंदाबाद चर्च में नहीं चलेगा। इसे तो प्रभु बोला लिख एफेसस कलीसिया का दूत को यह लिख। किसको लिखना? कलीसिया का दूत मतलब पास्टर को, स्वर्ग दूत आने के। कलीसिया का दूत का नहीं, कलीसिया को चलाने का काम कलीसिया का दूत का है। कोरा इसका हमें खड़ा होकर समझाएंगे क्यों है। सेल्फ अपॉइंटमेंट, अपने आपको पास्टर बनाना चाहते हैं, अपने आपको याचक बनाना चाहते हैं, अपने आपको सेवक बनाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है अब कुछ लोग अपने आपको प्रेरित करते हैं लेकिन है नहीं, तो उन्होंने पढ़कर झूठा पाया। प्रकाश पिता के दो में लिखा लोग का मेरा गेल में तीन में या चार में प्रकाश पिता की उसका प्रकाश पिता की उसका दो का तीन में या चार में। तो बड़े लोगों को देखने से जो अपने आपको प्रेरित करते हैं लेकिन है नहीं, तूने उन्हें परख क्या है। ऐसा उसी दिन में प्रभु का जमाना में नहीं शुरू हो गया। क्या हो गया? प्रभु का जमाना में नहीं शुरू हो गया। अपने आपको प्रेरित करते पढ़ो नहीं मिला। दो कदम में पढ़ी थे थी। दो से बड़ा कोई किसके भी मिला। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तो परख कर झूठा पाया। आज कलीसिया परख रहा मेरा पास्टर कौन है परखना। प्रभु बोला मेरा भेजा हुआ जो माना वो मुझे माना। अपने आप को खड़ा करने वाला बने उन्हीं से भेजा हुआ होना चाहिए, प्रभु से भेजा होना चाहिए। इसे प्रभु बार बार आपको वार्निंग दिया झूठे भाषण से सावधान रहे। बहुत से झूठे भाषण खड़ा हो जाते हैं, बहुत चुनाव लोग भरमा देंगे। आज अपना जीवन में बहुत प्रकार के लोग आएंगे। आज यूट्यूब का जमाना शुरू हो गया। पिछला हफ्ता में भी एक आदमी चर्च से निकालना पड़ा। क्यों है? वो पवित्र आत्मा नहीं मानेंगे बोल रहा। पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है, पावर है। बिजली पावर है, उसको आप गाली दीजिए वो स्वर्गित होगा। उसको मुंह पर थूकिए स्वर्गित होगा। स्वर्गित वो होता है जो इंसान, इससे तो लिखा है पवित्र आत्मा को स्वर्गित मत करो। पवित्र आत्मा जाना नहीं देता है, पवित्र आत्मा रुका देता है, पवित्र आत्मा जाने देता है, पवित्र आत्मा बात करता है, पवित्र आत्मा खुशी हो जाता है। प्रभु बोला मैं एक सगाई को भेजूंगा और एक सगाई को भेजूंगा आत्मा को पवित्र आत्मा। उनसे सवाल पूछा वो पवित्र आत्मा प्रभु प्रभु यीशु मसीह बोला वो कौन है? वो बोला मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें सगाई का और एक सगाई का ऐसा लिखा पढ़ेगा योहन्ना उसका 14:16 में अनदर कंफर्टेबल मैं पिता से विनती करूंगा और फिर तुम्हें एक और सहायक को देगा। मतलब मैं पिता से विनती करूंगा उसका मतलब मैं भी नहीं पिता भी नहीं एक और सहायक को भेजेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसका विश्वास नहीं करेगा तो कैसा होगा? आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में सिंहासन में पिता परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। ये मेरा पिता जो स्वर्ग में है यीशु कहाँ? स्वर्ग में जाकर स्वर्ग आरोपण होकर पिता के देने जाकर बैठेगा। अभी तक आया नहीं, आने वाला है। अभी हम लोग को कौन चला रहा है? जो बेलते पत्थर के दिन में उत्सव कराया, जो पवित्र आत्मा में चला रहा है, जो अरे उनका विश्वास नहीं करेंगे तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से लिया हुआ बपतिस्मा बेकार हो गया। बोलिए बेकार हुआ नहीं हुआ? कौन बोला? यीशु ने बोला तो सब पे चला पड़ो। 28:19 जल्दी मत्ती 28:19 तो सब पे क्या करो? सारे जगत के लोगों को चला पड़ो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ऐसा लिखा कुछ लोग कैसा पढ़ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसा नहीं लिखा बाइबल में। पढ़ो इसी
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और आ रहा ना, और मतलब क्या अलग अलग है कि नहीं? इतना भी समझ में नहीं आता क्या करें? हालेलुया। आज अपना दमक को पढ़ा समझना बहुत से गलत उपदेश कहां से शिक्षा मिला वो पढ़ रहा। मैं 3 साल से यूट्यूब पे स्टडी ले रहे हैं, बेचारा उसका आत्मा भड़का नहीं भड़का, बहुत उत्साह से रहिए। यूट्यूब आने वाला सारे मैसेज को मत सुनिए, डोंट फायदा करेगा। शैतान का काम क्या? डोंट फायदा करना। हवा का डोंट फायदा करवा दिया, एक ही सवाल में क्या कर दिया? आपके दिमाग को डाउट फायदा करवाना, यही शैतान का काम है। उसके बाद जिंदगी पर अब चर्च में आएगा जाएगा, लेकिन विश्वास विश्वास डगमगाते रहेगा जिंदगी में। आपका कोई काम होगा ही नहीं, विश्वास में डगमगाते रहेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या मेरा जीवन में समझना है? क्या मेरा जिंदगी में समझना? यदि आपको हमारा कितना स्टडी है, आप पीछे जाइए, सिस्टमेटिक बहुत से स्टडी कंटिन्यू लाइफ स्टडी मिलेगा, टेबरनेकल का मिलेगा, रेवलेशन का मिलेगा, ऊपर रूमर रिव्यू कीजिए, नहीं तो टीपीएम मैसेज भी पढ़िए। आप माने टीपीएम हिंदी मैसेज, बहुत अच्छा अच्छा मैसेज मिलेगा, आत्मिक मैसेज मिलेगा, उधर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हमारा जिंदगी को सुधारना, आज अपने जीवन में पहचानना है। हमारा चारों तरफ बहुत लोग पास्टर के लेवल में आएगा, पहचानो वो पास्टर किस तरह का है, या सेल्फ अपॉइंटमेंट, या मेन अपॉइंटमेंट, या गॉड अपॉइंटमेंट। आई हम अपराधों को बंद करेंगे, खुटा देंगे, खुटा देंगे अपराधों को बंद करेंगे, धक्का देंगे। आज खुदा बंद मारे ख्याल परमेश्वर, आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। आपकी नाम की केवल महिमा ही बनो, स्कोर दिलाना बनो, और वो शल दिलाने की विराट कर प्राण। आपकी नाम की हीरो शोर दिलाने की अमर आज के लोगों को खोल दे। जो पहला युग का कलीसिया कितना स्मार्ट कलीसिया था, जो अपने को प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन हर रही तूने अपने फरक का झूठा पाया, तू फरक का झूठा पाया, उसी फरक का आत्मा दे मुझे, आज फरक का आत्मा दे मुझे। आज आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु का प्रेम पवित्र आत्मा